जी हाँ, फाइनली अब लग रहा है कि कोई समस्या जो है वो बीच में नहीं आएगी। गुड्डू और फुंटी को एक होने से, गुफू बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब, नया गाना तैयार हुआ है, सब उसमें नाच रहे हैं। गुड्डू की शादी है, गुड्डू की वेडिंग है और सबको बहुत मज़ा आ रहा है। मैं उन्हीं का बेटा हूँ ना, तो वो मैं जितना नाचता हूँ मुझसे 10 गुना ज़्यादा नाचती हैं। हमारे घर में सबसे अच्छी डांसर हमारी मम्मी हैं और उनको कंट्रोल करना पड़ता है, उनकी एनर्जी को रोकना पड़ता है डांस में, कि सब लोग हैं थोड़ा आराम से। मैं फिर कुंवारा रह जाऊँगा। कर्फ्यू लग गया है और कोई टेररिस्ट आ गया है मोहल्ले में, जिसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे पास टाइम बहुत कम था, 7.5 घंटे में हमको अपनी पूरी बैडिंग ख़त्म करके दुल्हन को वापस लेके आना था, पर ऐसा नहीं हो पाया है और इसीलिए सब इसके बाद फिर सदमे में चले जाएंगे। मैं शायद फिनाइल पीने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि मैं वहाँ तक पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ इस बार। हाँ, मेरे पीछे की स्टोरी भी कुछ और है, मैं फिनाइल नहीं पीऊँगा। इधर छास है तो सबको ऐसा लगेगा कि मैं फिनाइल पी रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को ठंडा करने के लिए, काम डाउन करने के लिए छास पी रहा होता हूँ उसके बाद, ताकि मेरा दिमाग जो है थोड़ा चल पाए और कुछ आइडिया निकाल पाऊँ। मतलब सब लोग कुछ कलर कोऑर्डिनेट करते हैं तो बड़ा नॉर्मल सा है, क्योंकि हम गुफू हैं तो कुछ अलग होना चाहिए, इसलिए हमने अपने अपने कपड़ों पे LED यूज़ की हैं और होना भी चाहिए इतना। अब इतनी बार हो चुकी है कैंसिल शादी होकर कि अब तो हो तो पूरे जोर शोर से हो, तो उसके लिए पूरी तैयारी की गई। इस बार अगर नहीं हुई तो सच में फिनाइल पी लूँगा, मैं बता रहा हूँ। तो इस बार तो होनी ही चाहिए, कैसे भी कूद फांद के कैसे भी जाऊँगा, लेकिन लेके आऊँगा फुंटी।